देखो गाइस, न्यू ट्रैक्टर चोबर इन द हाउस बेबी। सबसे मोटे टायर वाला ट्रैक्टर आ चुका है, ये देख सकते हो सिटी में क्या लग रहा है भाई। तो भाई साहब ये देखो कहां कहां चढ़ जा रहा अपना चोबर। ओ हो ले भैया ओम्पो, ये देखो भाई चोबर हमने खरीद लिया नया ट्रैक्टर। ओ ये देखो गाइस चोबर इन द हाउस बेबी। ये सो यो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप लोग, होप करता हूं सब मजे में होंगे। एक और GT5 की ब्रांड न्यू वीडियो में आप सब लोग का स्वागत है। तो गाइस ये चोप देख सकते हो, इस चोपड़ी को देख लो भैंस क्या किधर से उधर ये टुई मटकाता रहता है। यूं नहीं कि कहीं अरे भैंस की बैठ गया, चलो इतनी देर से मैं कह रहा था भाई बैठ जा जब तक इसको एक लात नहीं पड़ती ना, जब तक ये बैठता नहीं। अब इधर प्रोग्राम शुरू कर देगा अपना। तो गाइस आज का सीन शुरू करते हैं हम भी। तो गाइस आज हम लेके आने वाले, ये ग्रीन पहना हुआ ना, इससे रिलेटेड कोई चीज आने वाले। जैसा कि आपने देखा होगा कि पिछली बार जब हम माउंट चिलियाड पे लेके गए थे सिद्धू भाई का ट्रैक्टर और जो हमारा ट्राली डीजे, उसमें तो मतलब उसमें भाई सिद्धू भाई ने मतलब कि जो ट्रैक्टर है उन्होंने काफी मस्त मतलब परफॉर्मेंस दी थी, पर वो चढ़ नहीं पाया था ऊपर क्योंकि उसकी मॉडिफिकेशन नहीं हो रखी थी। तो आप सब लोग सोच रहे होंगे आज सिद्धू भाई के ट्रैक्टर की मॉडिफिकेशन होगी। नहीं, आज हम एक और पावरफुल, जिसका नाम नहीं बता सकते गाइस अभी, जिसका नाम तो नहीं पता पर थोड़ी हिंट दे दूँ, मतलब कि वो मतलब ट्रैक्टर लाइक है। तो गाइस इतना मतलब ग्रीन कलर होता है उसका, काफ़ी ज़्यादा मस्त उसकी पावर होगी। तो गाइस हमने आज मंगाया एक सुपर ट्रैक्टर। तो सुपर ट्रैक्टर देखने के लिए आपको जाना पड़ेगा कहाँ पे, तैयार हो के। तो तैयार तो मैं हो चुका हूँ, अभी बस निकल रहे हैं। एक बार मेरी गाड़ी आ जाए, गाड़ी में बैठ के चलेंगे फिर स्कॉर्पियो में। जितने आपको काम किया करें, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दिया करो, ऐसे मत करा करो। तो गाइस अभी बस कुछ ही टाइम पर हमारी जो गाड़ी आ जाएगी फिर चलते हैं यहाँ से एंड दिखाएंगे आपको एक और बेहतरीन चीज। तो लेट्स गो गाइस, देख सकते हो तुम्हारे भाई की स्कॉर्पियो आ चुकी, स्कॉर्पियो। तो स्कॉर्पियो लेके निकल रहे गाइस यहां से, क्योंकि अभी हम जा रहे हैं वो चीज लेने जो कि हमने ड्राइवर के घर पे इंपोर्ट करवाई है। वो बोल रहा था कि मैं रात को पिकअप कर लूंगा क्योंकि रात के टाइम पे आइए, इंडिया से आइए, काफी मस्त चीज है। आप भी कहोगे वाह फ्रैंकलिन भैया मोची कर दी। तो गाइस उससे फिर हम टेस्टिंग वगैरह करने वाले हैं, माउंट चिलियाड पे चढ़ पाएगा नहीं चढ़ पाएगा। एंड गाइस एक और चीज, हम जाने वाले हैं अभी एक और ट्रिप पे चोप के साथ, एंड चोप एंड एक बहुत ही अच्छा सरप्राइज मिलने वाला आपको, क्योंकि वो होगी तुम्हारी। अब बस इससे थोड़ा कमेंट में मतलब कि बता देना क्या हो चुका है, हो सकता है। तो हम दोनों जाने वाले, हम तीनों जाने वाले हैं कहाँ पे, माऊ। तो गाइस हम जाने वाले एक पहाड़ों की ट्रिप पे जो कि हो सकती है मनाली, मशहूरी, कहीं की भी हो सकती है। आपको कमेंट करके वो चीज़ भी बतानी कि हमें कहाँ पे जाना चाहिए। बाकी इधर की साइड से देखते तो अपनी स्कॉर्पियो निकल रही है, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला आज की वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले। तो गाइस आज होने वाला है ऐसी चीज़ जो कि आज तबाही वाली। उससे पहले गाइस हमें टेस्टिंग वगैरह भी करनी पड़ेगी जो हमारा ट्रैक्टर है वो। एंड गाइस हमने रिसेंटली एक चीज़ खरीदी थी जैसा कि आपने देखा होगा, बोलेरो कैंपर 2022। तो उसमें हम ट्रिप पे जाएंगे क्योंकि उसमें पीछे थोड़ा सामान रखने की जगह है एंड ऑफ रोडिंग टाइप पे जाना चाहते हैं। जैसे कि सामने आपको माउंट चिलियाड दिख रहा है, ऐसी जगह हम जाना चाहते हैं कि कोई पहाड़ों वाली जगह आप सजेस्ट करो, जैसे मनाली, मशहूरी। इंडिया की ट्रिप पे जाएंगे, बस आपको बस सजेस्ट करना है हमें। बाकी वाइज वो ड्रिफ्ट मार रही है तो स्कॉर्पियो भी चलिए यार, काफ़ी अच्छी हैंडलिंग है स्कॉर्पियो की। अरे यार स्कॉर्पियो तो यार आपको मैंने कल भी बोली थी कि इंडिया की दो ही रानियाँ, एक फॉर्चुनर दूसरी स्कॉर्पियो, बस उसके ऊपर तो मैं कुछ मानता नहीं। बेशक कितनी गाड़ियाँ ले आओ, क्योंकि इनकी जो इमेज बनी हुई है ना इंडिया में भाई साहब दुराटे कटवाती है दुराटे। जैसे कि फॉर्चुनर तो मानी जाती है भाई अमीरों की गाड़ी, एंड जो ऑफ रोडिंग किंग भी मानी जाती है फॉर्चुनर, एंड जो गैंगस्टर लुक है भाई साहब गैंगस्टर लुक स्कॉर्पियो देखो अपनी, वाह 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 एक का कहानी होगी। चलो कोई दिक्कत नहीं, चिंटू किधर से तो जा ही रहा हूँ, इसको भी ठीक करा लूँगा। तो चलते गए ड्राइवर के घर पे गाड़ी ठीक करा के, एंड फिर दिखाते हैं आपको एक धमाकेदार चीज़ जो जिसको आप भी देख के कहोगे ओ माय गॉड ये क्या मंगवा लिया फ्रैंकलिन। तो लेट्स गो। तो गाइस देख सकते हो नया ट्रैक्टर हमने मंगवा लिया चोबर भाई साहब, ये देखो ओ क्या लग रहा है यार, मोटे मोटे टायर भैंस की छेंट भाई साहब, रे क्या लग रहा है अपना चोबर भाई साहब, चोबर ट्रैक्टर भाई साहब। सिद्धू पाजी के ऊपर फोटो वगैरह भी लगी हुई, आपको पूरा रिव्यू दिखाएंगे। बाकी ये देखो भाई साहब कितना ऊपर तक उठता है, ओ भाई, भाई 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 क्या है ये, क्या चीज़ है भाई साहब, ये तो भैंस की आँख ही। अरे बिडू ग्रीन कलर का मंगाया, ग्रीन कलर भी देखो शाइन वाला भाई, देखा है ऐसा कलर नहीं देखा ना, यही तो है, इसी को कहते हैं प्रो गेमर जो मोड बनाता है। भाई साहब प्रो गेमर भाई को सब्सक्राइब कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है मैंने, उन्होंने ये ट्रैक्टर बनाया, फुल क्रेडिट टू प्रो गेमर मेरा ब्रदर। तो गाइस देख सकते हो ये कितना मस्त लग रहा है भाई, ओ क्या लग रहा है चोबर भाई साहब, चोबर थे नूर होते दस्ता, ऐसा कुछ लाइन होती गाइस अभी मुझे याद नहीं आ रही, जो कि सिद्धू पाजी ने गाई थी भाई साहब, वही है ये, वही ट्रैक्टर है रे, क्या चलता है रे। अरे रे, रे, रे भाई साहब ये देखो कहाँ कहाँ चढ़ जा रहा अपना चोबर, ओ ले भैया ओम्पो भाई साहब कहीं पे भी चढ़ सकता है। अरे यार इतने मोटे टायर है, मैं भी क्या बोल रहा हूँ, देखो इतने मोटे टायर है तो
ऐसी बात है, कहीं पे भी ये चढ़ जाएगा भाई साहब। बाकी लगने में तो एक नंबर है, बाकी मजा आ गया भाई। ओ हो हो भाई साहब, चोबर चोबर भाई साहब, अभी चोबर का रिव्यू करेंगे। उससे पहले ना आपको ये सब चीज़ें, ये देखो भाई, ऑफ रोडिंग किंग तो होगा। ये देखो भाई, ऑफ रोडिंग में तो कहीं से निकल जा रहा भाई। ये देखो भाई साहब, चोबर भाई साहब, ये ओम भाई साहब, ऑफ रोडिंग में तो किंग है ये, किंग ऑफ ऑफ रोडिंग भाई साहब। इसे तो माउंट सीलियड का कहीं पे भी लेके जाओ, पर इसकी जो पावर है अभी भी भाई साहब इतनी भयंकर है ना कि आराम से ट्रैक्टर ट्रोली डीजी को तो खींच लेगा, इतना मुझे लग रहा है भाई। बाकी अभी देखेंगे इसका क्या सिस्टम है, एंड आगे देख सकते हो बैचिंग वगैरह भी है चोबर की। तो भाई साहब मस्त लग रहा, पूरा एक नंबर स्वाद आ रहा भाई चलाने में भी। ये देखो ओ चोबर, क्या बात क्या बात, चोबर ट्रैक्टर यहाँ से चढ़ाऊँ भाई, तो यहाँ तो ये तो हैवी हो जाएगी। चलो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। ये ओ भाई साहब, चोबर कहीं चढ़ सकता है भाई, मैं सोच रहा था यहाँ नहीं चढ़ेगा, पर ये तो बहस की है हैं जी। ये क्या है भाई साहब, ये तो भाई साहब कति तगड़ा माल मंगा दिया। ये देखो भाई चोबर भाई साहब क्या लग रहा है, ओहो चोबर ट्रैक्टर आ चुका गाइज। ये देखो अपना नया ट्रैक्टर है चोबर, ओ ये भाई साहब पूरा मजा आ रहा है चोबर को गोल गोल घुमाने में। भाई चोबर की खास बात पता क्या, ये कहीं से भी निकल सकता है क्योंकि इसके टायर देखो, ये टायर देखो भाई साहब, ओहो भाई साहब मजा आ रहा है चोबर को उछालने में, जो मजा है ना भाई किसी में नहीं है। वैसे इतने सारे ट्रैक्टर आए, सिद्धू बाजी वाला भी बेस्ट था, ये वाला भी बेस्ट है भाई मस्त। ये दो जो ट्रैक्टर आए ना काफ़ी अच्छे आए भाई, काफ़ी दिनों बाद। ये देखो भाई चोबर ट्रैक्टर आ चुका है, ओहो ले भैया ओम भो भाई साहब आराम से मजे करेंगे। इधर करते हैं इसका थोड़ा कीचड़ में टेस्ट। ये भाई आ गया चोबर आ गया। ओ ये भाई साहब, ये देखो ये देखो, ओ भाई साहब क्या लग रहा है यार, लगने में तो एक नंबर है भाई। लाइटें वगैरह भी पूरी चला रखी है। ये देखो गाइस, न्यू ट्रैक्टर चोबर इन द हाउस बेबी। ओ ये भाई साहब क्या लग रहा है भाई, मज़ा तो पूरा आ रहा है, कुछ भी कहो आप सब लोग। ये देखो भाई ओ हो चोबर गाइस, ये देखो चोबर 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 ट्रैक्टर आ चुका है गाइस, क्या लग रहा है भाई साहब। नाम भी कहते मस्त दिया गया वैसे चोबर भाई साहब, अलग ही ट्रैक्टर है। ये देखो गाइस पूरा उछलता उछलता जाएगा अभी देखना। ओ ये भाई साहब पूरा ऑफ रोडिंग में भी मज़ा आ रहा है, चलाने में भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा है। पीछे स्पीकर वगैरह भी लगा रखे, तो अभी एक बार इसका रिव्यू दिखाते हैं आपको, पूरी चीज़ें दिखाते हैं। तो ये देखो भाई साहब, ये अपना चोबर है, चोबर पे आपको चीज़ें दिखाते हैं भाई साहब। ये आगे से शुरू करते हैं गाइस। तो ये देखो गाइस, चोबर के आगे बैचिंग दी गई है, एंड 5310 भाई साहब जॉन डीर भाई, चोबर भाई साहब एक नंबर यार, चोबर नाम से फेमस है। बाकी जॉन डीर इसका मतलब ट्रैक्टर का नाम होगा भाई साहब, देख सकते हो। बाकी ये देखो भाई, साइलेंसर वगैरह कितने मस्त क्रोम में है, एंड आगे की साइड बैचिंग वगैरह AK-47 काफ़ी अच्छा है। ओवरऑल देखा जाए तो भाई मस्त लग रहा है। पीछे की साइड ये बैट का कुछ साइन है, ऊपर देखो सन ऑफ लेगेसी का साइन है क्या, पता नहीं किस चीज़ का, इधर स्कल का साइन है। और भाई साहब ऊपर भी देख सकते हो स्पीकर वगैरह लगे हुए, एक फ़ोटो तो खींच लो यार मस्त सी। टायर मोड़ के फ़ोटो खींचूँगा आज तो मैं इसकी टेंट, ये अभी रुको, ये ऐसे करके फ़ोटो खींचेंगे आज तो भाई साहब, कति कति स्वैग में फ़ोटो खींचनी चाहिए ना। चलो यहाँ से निकलते हैं, अब दिखाते हैं आपको यहाँ पे एक फ़ोटो तो खींची जाए पूरी, ताकि इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट कर सके। तो इंस्टाग्राम पे अगर आपने मेरे को फॉलो नहीं किया तो जाके फॉलो करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बाकी ये देखो भाई साहब, चोबर मोटे मोटे टायर वाला डीजे तो नहीं यार, डीजे भी है इसमें, देख रहे हो डीजे भी लगे हुए हैं ऊपर की साइड, स्पीकर तो पहले से ही है। तो गाइस सबसे मोटे टायर वाला ट्रैक्टर आ चुका है, ये देख सकते हो सिटी में क्या लग रहा भाई, मज़ा आ गया यार। वैसे चला के ना जो ये मतलब मोटे मोटे टायर है ना, ये अलग ही सुकून देते हैं भाई कि वाह यार, लुक में लुक तो है गाइस, लुक तो है ना, मानते हो ना आप भी। ये देखो ये भाई साहब, ले भैया ओम पो, ये भाई साहब पति मस्त मज़ा आ रहा है इसको चलाने में, पर इसको ना थोड़ी जगह। ये देखो गाइस, चोबर इन द हाउस बेबी। ये भाई साहब मस्त मज़ा आ रहा है चलाने में तो एक नंबर, मतलब कि कहते हैं फीलिंग से आती है। ये देखो गाइस, चोबर इन द हाउस भाई साहब कैसे उछलते उछलते आता ना, मैं इसकी इतना ऊपर चक उछल जाता। ये देखो गाइस, चोबर इन द हाउस, ये देखो भाई चोबर। तो भाई साहब जॉन डी ट्रैक्टर इसका नाम है, चोबर इसका मतलब कि वैसे प्यार से बुलाते हैं, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है। बाकी यार चलाने में तो पूरा मज़ा आ रहा है, अभी ट्रैक्टर ट्रॉली डीजे को खींच पाएगा, ये ट्रॉली डीजे को खींच पाएगा देखते यार, वो तो उसी टाइम पता चलेगा। बाकी ये चोबर इन द हाउस बेबी, ये देखो ओ भैया भाई कैमरे को टक्कर मार दी इसने तो, क्या बात क्या बात, वैसे चलाने में मज़ा आ रहा है। चलो एक दो बलि चढ़ गई, ये जानवरों की तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। बाकी ओ चचा चौधरी नेहरू कटी, अरे ये अंकल कहाँ भाग रहे, ओए अंकल क्या हो गया, अंकल जी भाग रहे हैं भाई साहब आराम से। बाकी अपना चोबर तो एक नंबर लग ही रहा है जैसे कि आपको बताया मैंने, अरे हट जाओ भाई चोबर निकल रहा है, मरोग मरना है क्या नहीं। ये देखो भाई चोबर भाई साहब, मज़ा आ रहा है वैसे चोबर को चलाने में भाई भाई। अरे इधर देखो वो सिद्धू बाजी वाले ट्रैक्टर लेके भी घूम रहे हैं भाई, सही है वो भी मतलब फेमस है आजकल काफ़ी ज़्यादा। ये देखो गाइस, चोबर हमारा नया ट्रैक्टर खरीद लिया हमने भाई, मज़ा आ रहा भाई। ओ हो यार, पीछे की जो चीज़ है ना ये लग रही है भाई, नीचे देखना
ये देखो ये थोड़ी मतलब टच सी हो रही है और चिंगारी सी उठ रही है, बाकी दिखने में तो एक नंबर है। मतलब कि थोड़ा जब आगे से उठा रहे हैं ना ज़्यादा जब लग रही है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, वैसे देख रहे हो नॉर्मल चल रहा है, कोई दिक्कत तो हो नहीं रही मेरे हिसाब से तो। बाकी मज़ा तो पूरा आ रहा है ये। और ये भाई अभी देखना ये तो गाइस, ये देखो चोबर आ चुका है नया ट्रैक्टर भाई, मज़ा तो आ रहा है, मज़ा तो है गाइस इसको चलाने में। मतलब कि पूरा रिव्यू दे दिया। ऊपर जो है सिद्धू पाजी की फ़ोटो देख लो भाई तुम, ये भाई साहब उठते उठते जाता है, ये मस्त चीज़ है यार इसकी। ये देखो भाई चोबर हमने खरीद लिया नया ट्रैक्टर, ओ ये भाई साहब पूरा उछलते उछलते जाता है, बाकी दिखने में एक नंबर है। पीछे ऊपर सिद्धू पाजी की फ़ोटो भी है भाई, मज़ा आ रहा पूरा। ओ ये भाई चलाने में तो पूरा मतलब कि एक अलग ही फीलिंग है। बाकी स्पीड वगैरह टेस्ट करते हैं चलो, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ उसकी 60-70 स्पीड तो जानी चाहिए। चलो देखते हैं भाई, 53 पे रुक गई ये तो। ओहो यार इसका थोड़ा इंजन पावर अभी टेस्ट हुआ है नहीं हुआ, आई डोंट थिंक सो। बाकी 54 इसकी फुल स्पीड है यार, 60 तो जा कम से कम, इतनी बेइज्जती मत करा। बस यार जब ट्रॉली का वो होगा ना तो फिर इसका अलग से जो पावर वगैरह के बटन है वो भी तो चालू करेंगे। ये देखो भाई चोबर क्या लगता आगे से देखो भाई, वाह 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 मस्त लगता है यार, वैसे दिखने में तो एक नंबर है ये ट्रैक्टर। बाकी देखते हैं पावर टेस्टिंग तो इसका जब भी पता चलेगी, जब ये माउंट चिड़ियाड़ चढ़ेगा जब भी इसका पता चलेगा कि कितना ये पानी में है कितना किस चीज़ में है। बाकी भाई पीछे से दिखने में एक नंबर है, साइड से भी लुक अच्छा है, आगे भी ट्रैक्टर की बैचिंग अच्छी है वैसे काफ़ी। ओवरऑल लुक तो मेरे को काफ़ी पसंद आया इसका, एंड जो ग्रीन शेड कलर है भाई ये देखो, ग्रीन एंड ब्लैक का जो कॉम्बिनेशन है देखो चेंज होता रहता है, देखो ब्लैक दिख रहा है ना अब देखो ये ग्रीन दिख रहा है भाई, काफ़ी मस्त है ना। कलरिंग तो है मान सकते हैं। बाकी इस पर क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए हमें चोबर के साथ टेस्टिंग वगैरह वो आप बता देना। बाकी मेरे को तो मस्त लग रहा है, ओवरऑल लुक देखा जाए तो भाई काफ़ी प्यारा है भाई ट्रैक्टर ये देखो भाई। अरे पुलिस कहाँ से आ गई, ये देखो बोले यार पुलिस भी जा रही है उधर से। ये भाई साहब क्रिमिनल इतने बढ़ गए ना सिटी में, ड्राइवर का दबदबा नहीं रहा अब मेरे को लग रहा है। बाकी ये देखो भाई चोबर, ओह चोबर को ठोक दिया तेरी भैंस की चैट। ओह मेरे को तारने आ रहा, पहले पकड़ तो ले चचा चौधरी, ये पकड़ेंगे मेरे को, ले अब भागा ना भाई, अब उसको पीटेगा मेरे को लग रहा है। नहीं उसको नहीं पीटा उसने, चलो वो तो जा रहा है। बाकी थोड़ी ऑफ रोडिंग वगैरह करे इधर की साइड से। ये देखो भाई आइए अभी देखना, आइए देखो गाइस चोबर अपना इन द हाउस, ऑफ रोडिंग के लिए निकल रहे हैं अभी थोड़ी सी। ये देखो इधर की साइड से देखते हैं, ये आराम से कर लेगा, आराम से। अरे ओ भाई क्या ये भाई, स्पीड में लाना चाहिए था मुझे ऐसा लग रहा है यार। ये टायर भी यहाँ पे गलत मतलब दब से रहे हैं थोड़े भाई यार, ये तो भाई चोबर कर पाएगा नहीं कर पाएगा ये तो बड़ा सवाल है भाई। ऑफ रोडिंग में तो देखो वो कहते उछलते उछलते आ जा रहा है, इसकी जो ऊपर चढ़ने की पावर है वो अभी भी कम है मेरे को लग रहा है, थोड़े सिस्टम वगैरह सीखने पड़ेंगे, जो पीछे बूस्ट वगैरह लग रहे हैं वो भी देखने पड़ेंगे। बाकी चोबर यार ओवरलोड काफ़ी अच्छा है ये देखो, ये भाई काफ़ी बढ़िया है, यूँ कोई दिक्कत नहीं है, आप सब लोग भी देख पा रहे होंगे। ये देखो भाई अभी बैलेंसिंग चलते हैं इसकी बैलेंसिंग, ये चोबर देखो भाई चोबर उतर रहा है इस पहाड़ों से, उतर गया है, वाह 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 चोबर भाई। ऑफ रोडिंग में तो फुल मार्क्स मिलेंगे 5 में से 5, लेट्स गो भाई। चोबर ने ऑफ रोडिंग काफ़ी अच्छी की, अभी देखा मैंने डिसबैलेंस बिल्कुल भी नहीं हुआ बिल्कुल भी, अब देखना इस बार चढ़ जाएगा, इस बार पक्का चढ़ जाएगा। ये देखो वो ना जब वहाँ की रोड की मतलब वो थी थोड़ी मतलब कि समझ रहे हो, स्पीड में ही नहीं था मतलब ट्रैक्टर, और ट्रैक्टर में तो वैसे पावर भाई मतलब ज़्यादा आती है पर स्पीड का थोड़ा देखना पड़ता है लिमिटेशंस भाई। ये देखो भाई 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 भाग यहाँ से निकाले क्या, नहीं यार नीचे यहाँ पे जगह ही नहीं है, कहाँ से निकलेगा ये तो खुदबंदी कर देंगे हम। बाकी इधर की साइड से तो भाई ये अभी इतना तो अंधा नहीं हूँ कि मैं पहाड़ पे भाई इसको चढ़ाऊँ यार, बाकी चैलेंजेस वगैरह काफ़ी अच्छे होने वाले जब मैं माउंट चिड़ियाड़ पे लेके जाऊँगा इसको। बाकी दिखने में तो एक नंबर है भाई ये चोबर, ये देखो ऊपर से उछलता भी मस्त है भाई ये देखो, ये भाई 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 यहाँ से कूदा दूँ क्या, कूदा दे क्या यहाँ से, कुदाना तो चाहिए वैसे यार थोड़ी चुटपुटी तो हो रही है मुझे। बाकी ये भाई चोबर 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 गिरेगा तो चोबर को कुदा दिया गाइस हमने। ये भाई साहब अरे यार कुछ डिसबैलेंस होने वाली चीज़ ही नहीं है ना भाई, टायर इतने मोटे हैं ना इसके, टायर देखो भाई कितने मोटे मोटे टायर है चोबर के भाई साहब। ओ ये बस हो भाई बस बहुत कॉमेडी कर दी चोबर का भाई, देख रहे हो पीछे की पावर तो है, कहाँ से इसने रिवर्स कर ली चढ़ाई में भी। और लुक देखा जाए तो भाई काफ़ी मस्त है इसका, ओहो आगे से उठ गया देख रहे हो, अरे वाह 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 वाह। तो ये रहा भाई अपना चोबर देख सकते हो भाई, फाइनल लुक भाई साहब मस्त लग रहा है यार, एक नंबर जॉन डीर। तो गाइस
देख सकते हो हमने कर लिया है जॉब ट्रैक्टर नए वाला, एंड इसकी जो कल होने वाले माउंट चिलियाड पे लेके जाने वाले हम ट्राली डीजी को, जो कि हमारा मिशन रहेगा, जो पिछली बार अनसक्सेसफुल हुआ था, इस बार होप करते हैं सक्सेसफुल होगा। तो ठीक है गाइस, फिर आज की वीडियो में इतने रखते हैं, होप करते हैं आपको मजा आया। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, एंड कमेंट करके बताना चोबर चढ़ पाएगा माउंट चिलियाड पे या नहीं चढ़ पाएगा। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, सुरेटर चंगा, फिर अगली वीडियो।